आप देख रहे हैं वी एस नेशन, आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, वी एस नेशन बहुत जल्दी करने जा रहा है वसई गौरव अवार्ड। इसी अवार्ड के लिए जिन हस्तियों को नॉमिनेट किया गया है, उनके श्रृंखलावार साक्षात्कार आपको देखने को मिल रहे हैं। आज इसी कड़ी में हम बात कर रहे हैं दिगंबर देसाई जी की, जो कि पेशे से एक वकील हैं। डैशिंग डायनेमिक पर्सनैलिटी वाले जिंदा दिल व्यक्तित्व के धनी एडवोकेट दिगंबर देसाई वसई में एक खास पहचान रखते हैं। दिगंबर देसाई ने लगभग 30 वर्ष पहले वसई में ही अपने वकालत का सफर शुरू किया था और देखते ही देखते ये कड़ी मेहनत के बाद आज वकीलों की अग्रणी श्रेणी में आ गए हैं। केस दीवानी हो या फौजदारी, समझदार लोगों की पहली पसंद दिगंबर देसाई ही होते हैं। दिगंबर जी ने नगर पालिका के बहुत सारे केस लड़े और इसके साथ साथ बड़े बड़े क्रिमिनल केस भी ये देखते रहे। जहाँ ये अमीरों के केस लड़ते हैं, वहीं गरीबों के केस भी ये मुफ्त लड़ा करते हैं, ये भी इनकी एक खास बात है। आइए इनके संघर्ष और सफलता की कहानी जानते हैं उन्हीं की जुबानी। सर, वसई में आप पिछले लगभग 30 वर्षों से लोगों के केस लड़ रहे हैं, और किस तरह ये 30 साल में क्या आपका सफर रहा, और किस तरह के केसेस चेंज हुए, या किस तरह की आपको परेशानियाँ आई, किस तरह के लोग यहाँ पे ज़्यादा क्राइम या ज़्यादा अपराध होता है? 30 साल के पहले जब यहाँ वकालत करने वसई में आए हैं, तो उस वक्त की वकीलों की संख्या और अब की संख्या, उसमें अभी तो जमीन आसमान का फर्क है। तो यहाँ कोर्ट था तब पहले से? यहाँ तब उस वक्त एक ही कोर्ट रहा करता था, और अभी 10-12 कोर्ट में है। हम जब यहाँ थे तो करीबन 20-22 सीनियर एडवोकेट्स थे यहाँ, तो मैं तो आउटसाइडर था, तो क्वाइट नेचुरली यहाँ एस्टेब्लिश्ड लॉयर्स थे जो लोकल्स थे, तो आउटसाइडर को बाहर से आकर एस्टैब्लिश करना एक तो डिफिकल्ट बात रहती है। तो ये सारी ऑड्स को पार करके आपको आगे जाना है, तो डेफिनेटली डिफिकल्टीज तो रहती हैं, तो वो सब हमने कर दी एंड बहुत अच्छा लगा। फिर बाद में एक बार आप उसमें जब उस फील्ड में इन्वॉल्व हो जाते हो, आपको लोग जब पहचानने लगते हैं, तो वकालत एक ऐसा प्रोफेशन है, यहाँ एक बार आपको कुछ पहचान मिलती है तो लोग आपके फैन बन जाते हैं आपके पास आए। ऐसा कौन सा केस आया जिससे आपका उस समय बहुत नाम हुआ, जब आपका नाम हुआ, कौन से ऐसे केस थे जिसकी वजह से आपकी पहचान बनी? ऐसे तो हमारे नाम पे बहुत सारी केस अब हो चुकी है जो दिखेगी आपको, गूगल में भी मिलती हैं, लेकिन इनिशियल स्टेजेस में जब कुछ भी आपको तो कोई बड़ी केस तो मिलने वाली है नहीं, तो जो भी छोटा मोटा काम आपको जब मिलता है और आप उसको जब कोर्ट में पेश करते हो, तो लोग आपको देखते रहते हैं, यानी लोग वॉच करते रहते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें जो इनिशियल डेज में हमको आर्ग्यू करने को मिली, तो उस दौरान जो भी जिस तरीके से हमारी पेशकश हुई, तो शायद लोगों को वो भाई अच्छा लगा, तो उस वजह से लोग आपको अप्रोच करते रहते हैं, हमको भी किए, और अच्छी अच्छी केसेस फिर मिलने लगी और नाम होते गया। तो आप पूछ रहे थे कि ऐसी कौन सी केस है, तो फिर बाद में हमने म्यूनिसिपल काउंसिल या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, उस वक्त काउंसिल थी, उनके हम पैनल एडवोकेट थे, तो उस वक्त एक ओनिडा का टैक्स का केस था और हमारे अगेंस्ट में वसई के सीनियर लॉयर थे, एंड उस केस में म्यूनिसिपल काउंसिल का ढेर सारा टैक्स जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां वसई इसमें इंडस्ट्रियल स्टेट में थी, तो वो टैक्स का मामला था और ढेर सारा टैक्स भरने के ऊपर विवाद हुआ था न भरने के लिए, तो उसमें कॉरपोरेशन की तरफ से या काउंसिल की तरफ से हम लोग ने जो स्टैंड लिया था वो यहाँ से लेकर आगे तक हाईकोर्ट तक हमारी तरफ से सक्सेसफुल होते रहा, और काफ़ी अच्छा टैक्स हमको कॉरपोरेशन को काउंसिल को उस वक्त मिला, तो वो एक अच्छी केस है जो हमारे नाम पे। ये तो वैसे मैं अभी जिक्र कर रहा हूँ, ये सिविल केस है, बट वो मेरे इनिशियल डेज के वक्त का केस था, तो उसमें हमको थोड़ा नाम मिला। तो ये वसई एक ऐसा इलाका है, यहाँ आपको क्रिमिनल एज वेल एज सिविल केसेस हैंडल करने पड़ते हैं, सो
इनिशियली जैसे ये सिविल केसेस में या पर्टिकुलरली कॉरपोरेशन के केसेस में जब आपको सक्सेस हासिल हुआ तो साथ ही साथ में क्रिमिनल केसेस भी हम हैंडल करते थे, तो इसमें शुरुआत के काल में आपको कोई बड़ी केस तो आएगी नहीं, तो हमारे एक बुजुर्ग वकील साहब थे तो वो बाद में और कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगे, तो हमने उनको कांटेक्ट किया जो वैसे कोर्ट में आते नहीं थे, उनके क्रिमिनल प्रैक्टिस अच्छी थी और काफ़ी केसेस ऐसे ही उनके अनअटेंडेड रहते थे, तो उनके बिहाफ में हमने उनका अथॉरिटी लेटर लेकर ऐसी अनअटेंडेड क्रिमिनल केसेस को हमने चलाने को शुरुआत की, और देखते देखते हमको ऐसी छोटी छोटी केसेस चलाने का इतना तजुर्बा मिला, और जब तुमको ऐसा तजुर्बा मिलता है तो क्वाइट नेचुरली यू बिकम एक्सपीरियंस्ड लॉयर, एंड अल्टीमेटली दैट उसका जो एडवांटेज है उसका जो नतीजा ये हुआ कि आज मैं जब सेशंस कोर्ट में बड़ी बड़ी केसेस जैसे मर्डर की, रेप की केसेस होती है, ये सब हम चलाते हैं आज, तो ये जो इनिशियल डेज में हमको जो एक्सपीरियंस मिला था छोटी केसेस चलाने का वो बहुत काम आता है, और वो तजुर्बे के आधार पर अल्टीमेटली ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड जो है वो डेवलप होते जाते हैं, तो प्रैक्टिस एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है इस फील्ड में। आपने क्रिमिनल केस काफ़ी लड़े हैं, तो बहुत सारे मुस्लिम को सज़ा भी मिली होगी, काफ़ी लोगों को सज़ा मिली होगी, तो कभी ऐसा भी हुआ कि वो उनकी तरफ से आपको कुछ थ्रेट मिली हो या कुछ उन्होंने धमकाया हो, कुछ ऐसा भी कभी होता है क्या? जनरली ऐसा बहुत कम केसेस में होता होगा वकीलों के साथ, हमने भी डेफिनेटली बहुत सारी कन्विक्शंस हमारे केस हमको भी मिली, लेकिन जो रेट ऑफ एक्विटन होता है केस छुड़ाने का जो स्टैटिस्टिक्स है छूटने का और सजा होने का जो स्टैटिस्टिक्स है वो आप अगर पकड़ो तो मेरे तजुर्बे के हिसाब से मेरे व्यक्तिगत एक्सपीरियंस से तो यू कैन से अप टू सक्सेस रेट इज अराउंड 85%, तो अगर कन्विक्शन रेट है तो 10-15% का ही होता है, और ये सारी केसेस जो 10-15% कन्विक्शन की होती है ना वो मूलतः सीरियस ही होती है, वो हमको केस चलाने के पहले ही अंदाज आता है कि ये केस में ये वीक पॉइंट्स है, ये केस कन्विक्शन की ही होगी, तो जो एक्यूज्ड होता है उसको हम लोग पहले ही आइडिया देते हैं कि भैया ये केस में ये चीज़ अगर हो गई तो इसमें सजा हो जाने वाली है, सजा हो सकती है, इसमें अगर हम ये चीज कर सकते हैं तो हो सकता है कि हम इसमें 50-50 होकर केस छूट भी सकती है, तो माइंडसेट जो अक्यूज का होता है ना उसको झूठी आप तसल्ली नहीं देनी है, उसको आइडिया देना है, उसको डिस्करेज नहीं करना है, बट उसको हम ये पहले से जब आइडियाज देते हैं तो उसका माइंडसेट चला जाता है, माइंडसेट बन जाता है, तो लकीली ऐसी कोई दिक्कत तो मुझे आई हुई नहीं मुझे याद आती है कि किसी को कन्विक्शन हुआ है और हमको उसका ब्लेम मिला है। तो आप जो पूछ रहे हो कि वकीलों को धमकी मिलती है क्या, तो अपने पास इंस्टेंसेस हैं, बोरीवली के एक मशहूर लॉयर थे उनको भी उनकी हत्या कर दी गई थी केस के सिलसिले में, तो ऐसी चंद इंसिडेंट्स होते होंगे धमकियां भी मिलती होंगी, कई बार ऐसे भी देखा गया कि एडवोकेट्स भी सारे एडवोकेट्स तो डिसिप्लिन काम करते भी नहीं है, कभी कभी आप झूठी तसल्ली दे के लोग अगर किसी से फीस ले रहे हो और झूठी बातें बता रहे हो अल्टीमेटली टर्न आउट होता है कि वो सारा झूठी था, जो सफेद झूठ है, तो वकील हो या डॉक्टर हो आपको तो उसको फेस करना है, लेकिन टचवुड की मैं कहता हूं कि मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि एक दूसरी एक बात उसमें ऐसी है कि हम जब केस में क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं या आर्गुमेंट करते हैं तो वो जो अक्यूज रहता है वो कोर्टरूम में बैठा हुआ रहता है, वो देखता है, और जेल में बहुत दिन रहने के बावजूद ये सारे अक्यूज लोग जो बहुत दिन तक जेल में रहते हैं उनको जेल में रह रहकर थोड़ा बहुत प्रोसीजरल पार्ट मालूम रहता है, तो उनको ये मालूम पड़ता है कि अपना वकील जो कर रहा है कोर्ट में क्या कर रहा है, वो सब अंदर डिस्कशन होता है, तो आपके एफर्ट जब उनको पहले से दिख रहे हैं
तो कभी कभार ऐसा भी हुआ है, कन्विक्शन हुआ है, एडवर्स ऑर्डर हुई है, फिर भी एक्यूज आपसे नाराज नहीं है क्योंकि वो एफर्ट्स देखा हुआ है, आपकी क्रॉस एग्जामिनेशन देखी है उसने, आपका आर्गुमेंट देखा है, आर्गुमेंट पे ही वो पहला बोलता है सर आपने तो सारे पॉइंट्स कवर कर दिए। हम उनसे कंसल्ट भी पहले करते हैं कि भाई ये आपको कुछ कहना है, तो उनको व्हेन यू आर इन कम्युनिकेशन विद एक्यूज एंड व्हेन एक्यूज इज गिविंग यू सम फीडबैक एंड यू आर यूजिंग दैट फीडबैक इन योर आर्गुमेंट तो ही इज हैप्पी विथ योर एफर्ट्स। सो नतीजा उसको जब हम लोग भी अंदाज देते हैं कुछ भी हो सकता है, इट्स दैट इट। सो माइंडसेट उनका क्लियर करके रखना है, फिर यू आर नॉट एट फॉल्ट। अंदाजा एक अभी तक कितने केस आपने लड़ लिए हुए हैं मोटा मोटा? मोटा मोटा ऐसा मोटा मोटा केस छोटा ऐसा है नहीं, बट कुछ उसका तो गिना ही नहीं है। देखिए एवरेज मतलब 1000 केस 500 केस के आसपास कुल मिला के तो 1000-5000 सब वो सब ही हो गई पूरी, वो तो रिकॉर्ड बन गया। हाँ वो तो रिकॉर्ड सब चीज का नहीं होता, क्या होता है हम लोगों की कोई अच्छी मैटर्स जब कोई टॉक ऑफ द टाउन मैटर है या कोई इम्पोर्टेंट मैटर है वो रिपोर्ट हो जाता है या वो पेपर में आता है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो आजकल उसकी न्यूज बन जाती है, तो ये जो एजेंसीज है या गूगल वगैरह जो है तो यहाँ पे आपका ये पूरा डेटा स्टोर हो जाता है आजकल, तो आप अगर नाम पे क्लिक करते हो तो आजकल आपकी ये सारी उपलब्धियां हैं वो वहां भी मिल जाती है। तो मेरे पास ऐसे ढेर सारे अच्छे केसेस हुए हैं जो डिफिकल्ट होने के बावजूद हमको उसका एडवांटेज मिला हुआ है। ऐसी मान्यता मैं बचपन से सुन रहा हूँ कि लोग पुलिस एडवोकेट वकील से और डॉक्टर से डर के रहते हैं। पहले मैं आपको एक क्लियर करूं, पुलिस डॉक्टर और वकील से लोग अगर डर रहे हैं तो पुलिस से तो आपको फीस का सवाल ही आता नहीं, पुलिस इज अ पब्लिक सर्वेंट, उनसे आप डर रहे हो इसके लिए कि ये सिस्टम हमारी ऐसी बन चुकी है कि वहां पुलिस के पास तो आजकल आप एक्यूज्ड हो तो भी आपको डर है और आप कंप्लेंट करने जाते हो तो भी आपको कोई रिस्पॉन्स प्रॉपर नहीं मिलता क्योंकि कंप्लेंट ज्यादा बढ़ गया तो क्राइम रेट बढ़ता है करके कंप्लेंट लेने के लिए भी पुलिस दिक्कत में रहती है और एक्यूज तो डरेगा ही बिकॉज वो एक्यूज्ड है। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट हो या रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हो, तो यहाँ सब क्या चल रहा है ये तो सबको मालूम है, किसको कुछ बताने की जरूरत नहीं। रहे डॉक्टर, अभी डॉक्टर और वकील लोग जो है ना तो ऐसा तो नहीं होता है ना कि डॉक्टर या वकील आपके घर में आके बोल रहे हैं भाई क्या आपको क्या तकलीफ है मैं दूर करके देता हूं। बात तो यही होती है कि लोग डॉक्टर के पास जाते हैं या वकील के पास जाते हैं, तो आप जब वकील के पास जाते हो तो आप अगर गलत वकील के पास जाओगे तो आपकी आपको कंप्लेंट करने को मौका मिलेगा। आपको ये देखना है कि जिस एरिया में आपको वकील आपको चाहिए तो वहां के रेप्यूटेड वकील कौन है, डिसिप्लिन वकील कौन है, नामचीन वकील कौन है, और फिर गलत आदमी के पास तुम जाओगे और आपको नुकसान जब होगा तो आपको खुद को ही उसमें कर्ज करना है। तो वकील लूटते हैं ये वाली बात तो सरासर गलत है, यानी चंद लोग करते भी होंगे, हर प्रोफेशन में अच्छे बुरे लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ आपको जब वकील के पास जा रहे हो तो उनकी फीस क्या है, उनका चार्जिंग का फीस का क्या स्ट्रैटेजी है वो आपको पहले डिस्कस करना है, यू हैव टू मेक थिंग्स क्लियर। उसके बावजूद भी अगर वकील कोई गलत काम कर रहा है तो हम लोगों की या डॉक्टरों की एक संस्था रहती है जो डिसिप्लिनरी एक्शंस लेने के लिए उनके पास आप तकरार कर सकते हो, तो ये आमतौर पे होता नहीं, लेकिन ये बराबर है कि वकीलों को के बारे में आमतौर पे ऐसे एक सोच है कि अरे वकील यानी आपको लूट लेगा, लेकिन ऐसे नहीं होता है, आपको चूज करना है प्रॉपर वकील की। अच्छा यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ कि हमारे सिस्टम में मतलब कि लोग 10 साल तक डेट ही लेते रहते हैं, ये क्या पंगा है? ये मैं आपको सुनाता हूँ, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पिछले रहे होंगे जो हुए हैं, उन्होंने स्पीच दे रहे थे, काफी बड़ा एक कार्यक्रम था जिसमें सीएम था, पीएम साहब भी थे, तो जुडिशियरी सिस्टम जो है इंडिया की उसमें कोर्ट रूम्स जजेस की संख्या इतनी कम है
कि वो स्पीच देने के वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के आंखों में पानी आया था, आप लोगों को अगर याद है तो। कहने का मतलब क्या है, हमारे यहां जितनी आबादी है उस आबादी क्राइम रेट डिस्प्यूट्स की संख्या को पार कर सके ऐसी कोई भी न्याय व्यवस्था में कोर्ट रूम्स की, जजेस की, कोर्ट स्टाफ की उतनी संख्या जो आवश्यक है वो आपके पास है नहीं, और इसलिए ये डेट पे डेट वाली चक्कर है। तो उसमें वकीलों का दोष नहीं है, ये सिस्टम ही ऐसी है, दो पार्टीज रहती है, आपका वकील है, एक पार्टी का एक वकील है, दूसरे पार्टी का दूसरा वकील है। तो कानून में जितने सारे बचाव के प्रावधान हैं वो ये वकील का इंटरेस्ट है तो वो इस्तेमाल करेगा और ये पार्टी के इंटरेस्ट के लिए ये वकील इस्तेमाल करेगा। तो जहां पॉसिबल है वहां डेट लेने का प्रावधान है कानून में, इसके लिए वो लिए जाते हैं, लेकिन वो आप बार बार ये पैतरे नहीं चला सकते। एक वक्त ऐसा भी आता है कि वो केस को लाइन में रहना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग मासूम होते हैं और किसी चक्कर में फंस जाते हैं, वो उनके पास पैसा भी नहीं लड़ने के लिए, ऐसे कुछ आपके पास भी आए होंगे, कुछ ऐसे केस आते होंगे, उनके पास फीस भी नहीं है, तो उनका आप उनको कैसे ट्रीट करते हैं? एक बात मैं आपको बताता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में, इंडिया में जो भी केसेस हैं, कोर्ट केसेस हैं, एक्यूज्ड हैं, गुनाह होते हैं, उसमें मेजॉरिटी लोग हैं गरीब ही, मेजॉरिटी एक्यूज गरीब ही है, उनके पास पैसे नहीं है। अपने देश में लीगल एड का एक कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है और ये लीगल एड के तहत फ्री लीगल एड देना ये सरकार के स्कीम, जुडिशियल स्कीम के भीतर है, और उसमें ऐसे एक्यूज लोग जो है जिनको कोई कैपेसिटी नहीं है केस लगाने की, उनको वकील दिए जाते फ्री में। तो हमारा कंट्रीब्यूशन उसमें ऐसा है, चंद जो सीरियस केसेस होते हैं, टॉप की केसेस होती है, जैसे कि मर्डर वाली केस होती है या रेप की केस होती है, तो यहाँ आपको जूनियर वकील लेके नहीं चलता है। तो लीगल एड में हमारे जैसे जो सीनियर वकील हैं उनको भी इन्वॉल्व किया जाता है, हमारा नाम उसमें वो पैनल में लिया जाता है और हमको ऐसी केसेस चलाने का फिर वहाँ अवसर मिलता है, और हम लोग भी समाज से हमको भी कुछ देना है ये जानकर चंद सीनियर वकील लीगल एड के लिए फ्री सर्विस में फ्री काम करते हैं, और हम लोग इतने लगन से वो काम करते हैं कि वो फ्री काम है तो हम उसको इग्नोर कर रहे हैं या उसमें इतना मेहनत नहीं कर रहे, ऐसा नहीं होता। तो वो लीगल एड में ऐसे लोगों का, गरीबों का काम होता है, और उसका आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपको मालूम है हिंदुस्तान में जब बाहर के लोगों ने आक्रमण किया और यहाँ जब हमारे पुलिस ऑफिसर्स शहीद हुए थे, तो अजमल कसाब की केस थे, उसमें अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा गया था, उसके ऊपर केस चली, अभी उसको तो एडवोकेट जो मिला था वो भारत सरकार ने दिया, उसको फ्री में वो एडवोकेट मिला है और बड़ी लगन से, बड़ी सीरियसनेस से वो केस चली, हालांकि एविडेंस था, बाकी कोई चीजें थी, तो उसको कन्विक्शन हुआ, बाकी क्या हो गया आपको मालूम है। तो यहाँ लीगल हेल्प जो है वो मिलती है फ्री में। अभी बहुत सारे नए वकील आ रहे हैं, नई वकालत कर रहे हैं, मैंने देखा अभी इस समय कोरोना काल में तो कई नए वकील मैंने मार्केट में आते हुए देखे हैं, वो कैसे है मालूम नहीं, उनको आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, क्या सजेशन देना चाहेंगे आगे की उनकी सक्सेस के लिए? वकालत एक ऐसा प्रोफेशन है कि यहाँ बाकी प्रोफेशनल कोर्सेज से उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, कम मेहनत में आप एक अच्छा प्रोफेशन चुनते हो जब आप वकालत में आते हो। इसके लिए आप देख सकते हो कि अभी वकीलों की संख्या में इतनी बढ़ोतरी हुई है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है और अच्छा प्रोफेशन है। लेकिन फिल्मों में जैसे वकील को दिखाया गया है या फिल्मों में बात, ये तो आपको मालूम है कि वकालत एक ऐसी प्रोफेशन है जो बाकी जो प्रोफेशंस हैं आप देखो तो थोड़ी टफ होती है, कंपैरेटिवली ये प्रोफेशन कम टफ है या कम मेहनत है उसमें पढ़ाई। तो यंगस्टर्स आजकल इस प्रोफेशन की तरफ बहुत ही आते हुए आपको दिख रहे हैं और बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये थोड़ा सा इजी प्रोफेशन है तो आपको
आप अगर इसको ज्यादा इजी लोगे तो हर वकील जेठमलानी नहीं बनते। तो एक जेठमलानी साहब जब बनते हैं तो उनके उस बनने में जो लगन होती है, जो उनके परिश्रम होते हैं, उनका हार्डशिप होता है, ये सब उसमें इन्वॉल्व होता है, तब वो जेठमलानी बनते हैं। उसी प्रकार यंगस्टर्स ने, यंगस्टर्स लोगों को सिर्फ वकालत का ज्ञान पढ़ा ही किया तो एक अच्छा वकील नहीं बनता, अनुभव से बनेगा। हाँ, ये अच्छे वकील के लिए पढ़ाई या लीगल नॉलेज के अलावा भी ढेर सारी, बहुत सारी चीजें होनी होती हैं। जैसे उसको डिसिप्लिन में रहना है, उसको डिसिप्लिन मेंटेन करना है, उसको अपनी जो भी केसेस उसकी आती हैं वो केसेस का उसको बराबर ध्यान रखना है, मने उसको डायरी मेंटेन करके वो क्लाइंट्स को अटेंडेंस तुम्हारा प्रॉपरली मिलना चाहिए, क्लाइंट को ऐसा लगना चाहिए कि मेरा वकील मेरी तरफ उसका ध्यान है। दूसरी बात, उसको प्रोफेशनलिज्म यानी फीस चार्ज करने के वक्त भी संतुलन रखना है, कहीं वो एग्जॉर्बिटेंट फी भी नहीं होनी चाहिए, या कभी कभी लोग आते और आपको फंसा के चले जाते हैं, ऐसा भी नहीं होना है। तो व्यवहार ज्ञान की भी आपको व्यवहार ज्ञान भी होना चाहिए। तो ये सारे पहलू जब एक वकील अपने साथ रखता है तब वो एक सक्सेसफुल वकील बनता है। समय आपने वकालत में दिया है तो उसके साथ आपकी हॉबी है एक्टिंग की, सिंगिंग की, तो उसको आप कैसे टाइम दे पाते हैं? देखो, कॉलेज के जमाने में से जो एक्टिंग जो है वो उस वक्त का भूत जो था सर में सवाल, तो वो तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत आपको इनबिल्ट होना चाहिए। दूसरा बात, आपका लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए। तीसरी बात, अच्छा गुरु मिलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब आपको मिलती हैं तो आपके हॉबीज भी आप प्रॉपरली डेवलप कर सकते हैं। वकालत के प्रोफेशन में आने के बाद आपको ये सब हॉबीज को सिर्फ हॉबीज ही रखने को पड़ता है। यू कैन नॉट मेक इट अ प्रोफेशनल इशू बिकॉज देर आर प्रोफेशनल रेस्ट्रिक्शंस, बट देन उसके बावजूद भी हमारे एक वकील मित्र थे बापू आप, तो वो भी ये जो इनको ये ड्रामा वगैरह का हॉबी था, तो उन्होंने एक बार अभी रिसेंटली हमको महाराष्ट्र स्टेट का जो कंपटीशन होता है उसमें उनकी संस्था से हम लोग ने एक नाटक किया, उन्होंने एक अच्छा बड़ा रोल हमको दे दिया और हमने उसमें लगन से काम किया और हमको महाराष्ट्र स्टेट का एक्टिंग अवार्ड भी उसमें मिला, एंड इट वॉज अ वेरी गुड प्ले। तो ये सब हॉबीज ऑब्वियसली जो हॉबीज होती हैं लोगों को, वकील हो तो वकील तो है, वो प्रोफेशन में होती हैं, वकील हैं, लेकिन बाकी हर एक का अपना अपना एक फेवरेट टॉपिक होता है। तो वैसे हमारा ये टॉपिक फेवरेट था तो हम उसमें जब भी मौका मिलता है तो कभी स्टेज शो है या कभी नाटक है या कभी सिंगिंग का कुछ चांस है तो कभी कभी ले लेते हैं वो चांस। धन्यवाद। आपने हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।